इनकी बारा से खबर है, जहां पर जिले के छबड़ा में मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट है और इस प्लांट को कोयले से संचालित करके इससे बिजली बनाई जाती है। जब कोयला जलाकर इससे बिजली बनाई जाती है तो कोयला जलने के बाद राख हो जाता है, लेकिन यही राख अब बारा जिले के 5 कस्बों छबड़ा, कवाई, अचरू, बारा और अंता के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित बारा जिले के छबड़ा के निवासी हैं, क्योंकि इस प्लांट की राख को यहां से डंपर, ट्रोले जैसे वाहनों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हवा के साथ उड़ती राख लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। इस राख से तरह तरह की बीमारियां होने की वजह से दुर्घटनाओं का भी डर रहता है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यहां के लोगों और साथ ही कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की और पूरी समस्या जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। थर्मल की राख से मुख्य रूप से जो फेफड़े की बीमारियां हैं उनमें सबसे मैंने एलर्जी, अगर एलर्जी लंबे टाइम तक रहती है तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो होती है वो हो सकती है। थर्मल की राख या किसी दूसरी तरह की डस्ट होती है वो अगर फेफड़े में जम जाती है तो उसकी फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो जाती है, इसमें COPD बीमारी हो सकती है। लंबे टाइम तक रहने पे एलर्जी अगर लंबे टाइम तक रहती है तो अस्थमा हो सकता है, और अगर राख में कोई केमिकल है तो इससे लंग कैंसर होने के चांसेस भी है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हम लेते हैं, स्किन डिजीजेज हो सकती है, स्किन की बीमारियां हो सकती है, उसमें एलर्जी हो सकती है स्किन की, या कोई अगर फिर जैसे मैंने केमिकल वाली बात करी तो इसमें केमिकल से स्किन के भी कैंसर या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। थर्मल की राख या दूसरी अन्य जो डस्ट होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आदमी डस्ट में रहता है तो आँखों की एलर्जी और आँखों की अन्य बीमारियाँ भी इससे हो सकती है। दूसरा जो अगर ये सांस में जाती है तो इसमें जो खांसी छींकने वाली बीमारी मरीज को लंबे टाइम तक छींकें रह सकती है, तो उसको एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, तो इससे आदमी की मतलब जो डेली की जो लाइफ है वो काफी प्रभावित हो सकती है। इसमें छोटे बच्चों में ज्यादा या बड़े लोगों में ज्यादा फर्क रहता है इसका? देखो इसमें डस्ट का मेनली छोटे बच्चों में ज्यादा गंभीर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अगर डस्ट में रहते हैं तो डस्ट के साथ बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो इससे उनके इन्फेक्शन जो लंग का इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी जो संक्रामक बीमारियां चल रही, जैसे कोविड है, अगर लंग्स में ऑलरेडी पहले से कोई इन्फेक्शन है तो कोविड से अफेक्टेड या कोविड से गंभीर बीमार होने का भी खतरा बच्चों में और बुजुर्गों में बना रहता है। बाकी वैसे देखा जाए तो जवान जो वयस्क है उनमें भी ये नुकसानदायक। थर्मल की जो ये राख है, कोयले की बर्निंग से ये जो राख बनती है और ट्रक और डंपरों के द्वारा और ये जो कैप्सूल्स वगैरह जो है और ये जो ट्रक ला रहे हैं राख को, इनका सुविधा पूर्वक और बहुत ही सुचारू तरीके से यदि इनका आवागमन हो तब तो बहुत सही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये बड़े बड़े ट्रक ऊपर तक भरकर ले आते हैं और राख को उड़ाते हुए लेकर जाते हैं, और बीच रास्ते में कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट के कारण गिर जाते हैं और वो राख कई दिनों तक पड़ी रहती है और फिर वहां से लोगों का आवागमन, वाहनों का आवागमन होता करता रहता है। इस डस्ट के पार्टिकल्स इतने महीन होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि जरा सा उड़ने से ही, जैसे ही मोटरसाइकिल निकली, जीप निकली या कोई भी व्हीकल निकल रहा है तो वह हवा में उस राख के डस्ट के जो पार्टिकल्स है वह घुल जाते हैं और हवा के साथ हमारे सांस में चले जाते हैं, और जब हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जब ये चले जाते हैं तो ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इन्फेक्शन होता है, इससे दमे की शिकायत हो जाती है, सांस से रिलेटेड और भी कई समस्याएं जनरेट होती है, और इससे बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, इसे पर्यावरण के रूप में भी सभी चारों तरफ धूल उड़ने लगती है, राख बिखर जाती है, तो लोगों के देखने में भी परेशानी आती है, आंखों में धूल चली जाती है, इससे नेत्रों की ज्योति पर भी फर्क पड़ सकता है यदि अधिक मात्रा में डस्ट पार्टिकल यदि एक्सपोज होते हैं लोग इनसे,
तो वास्तव में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाँ, इसके संदर्भ में मेरी जानकारी में आया है कि अभी अपने नगर पालिका छबड़ा में जो इनकी मीटिंग हुई थी इनकी समस्त पार्षदों के साथ में, तो जिसमें नगर पालिका के द्वारा एक प्रस्ताव, जानकारी में आया कि प्रस्ताव लिया गया जिसमें कुछ जुर्माना राशि के साथ में इनको एंट्री करवाना और एक नियत समय के दौरान सिटी एरिया के संबंध में, और वो ऐसा प्रस्ताव अभी मेरे पास या उन्होंने आगे संदर्भ गाइडेंस और आगे की जो कार्रवाई के संदर्भ में मुझे इसमें बताया नहीं है अभी। तो एक बार मैं अपने अधिशासी अधिकारी है छबड़ा के, तो उनके साथ में एक बार बात करके उसके अंदर अग्रिम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो रेलवे का गेट नंबर 70 है वहाँ से राख उड़ती हुई आती है और अपने के थाने तक बीच बाजार से निकलती है, उसमें कोई डकान नहीं होता है राख, जबकि इसका नेम है कि वहाँ से डकान सा है, इस पर कोई डकान नहीं होता। और जो ट्रक आते हैं 100 से 100 की लमसम इनकी गिनती होती है, रोड निकलते हैं, प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि 8 से 8 इनकी दिन में 9 एंट्री रखना चाहिए। नगर पालिका भी इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाती, जबकि नगर पालिका का जो क्षेत्र में आता है इनकी रोकथाम करना चाहिए, इनका जुर्माना लगाना चाहिए। रही बात इससे जो धूला उड़ती है, डस्ट उठती है, उसके द्वारा बीमार लोगों का जो दमा रोगी है और जो अपने जो कोरोना से ग्रस्त लोग हैं उनको भारी परेशानी है सांस लेने में, और कैंसर जैसी बीमारियों को ये चुनौती देती है। इसके अलावा इससे बहुत सारा जो प्रदूषण है शहर में ये बढ़ता जा रहा है, आम जनता परेशान है, आम लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, लेकिन ये प्रभावशाली लोगों के होने के कारण प्रशासन इनसे कार्रवाई नहीं करता, जबकि इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। चाहे कोई भी हो प्रभाव, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रभावशाली हो या गरीब हो, ये जनहित का मुद्दा है, इसमें प्रशासन को ध्यान ना चाहिए ध्यान देना चाहिए। 8 से सुबह 8 से शाम 8 तक इनको बंद रखना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। थर्मल प्लांट के अधिकारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है कि वो 8 से 8 इनको यहाँ से शहर से निकाल रहे हैं, जबकि इसको रोकना चाहिए थर्मल प्लांट को। जो भी अधिकारी हैं इनको अपने के पाबंद करना चाहिए, डंपरों को रोकना चाहिए इनको शहर में, इससे वातावरण ठीक नहीं है। लोग इसको डर के मारे नहीं कहते हैं, क्योंकि कई लोग इनसे क्या है कि डरते हैं, ये प्रभावशाली लोगों के हैं, जबकि ये नियम विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियों पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, जिला कलेक्टर साहब को या उप जिला कलेक्टर साहब को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोकना चाहिए, राख के बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहिए और इसको सभी प्रकार से शहर में आवागमन पर रोक लगाना चाहिए, नो एंट्री करना चाहिए। प्रशासन से निवेदन है कि इससे गंभीर बीमारियां फैलती है, दुकानदार परेशान है। मैं आपको बताना चाहूँगा, छबड़ा के पास में दो दो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से दिन भर ओवरलोडिंग वाहन आते हैं जिससे राख काफ़ी सारी गिर जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर राख बिखरी हुई है, यहाँ से कई लोग को एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई लोगों की ज़िंदगी की आस टूट रही है इससे, तो कई लोगों को अपनी जमा पूंजी इन बीमारियों को इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को इतनी बिजली भले ही ना मिले जितनी ज़्यादा बीमारियाँ मिलती है, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि यहाँ के जो सुबह के टाइम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ट्रक निकलते हैं उनको बंद करना चाहिए, रात को 8 बजे के बाद ही ओवरलोडिंग वाहन निकालना चाहिए और यहाँ छबड़ा कस्बे के बाहर से ही एक बाईपास निकाला जाना चाहिए जिससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी।